नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम आपको टैली में ऑडिट करना सिखाएंगे। देखिए, चाहे इंटरनल ऑडिट हो चाहे एक्सटर्नल ऑडिट हो, टैली इसके लिए सपोर्ट करता है। ऑडिट में होता क्या है, पहले इसे समझिए। ऑडिट का मतलब है कि जो भी अकाउंटेंट ने या अकाउंटेंट्स ने वोचर एंट्री क्रिएट किए हैं टैली में, लेज़र क्रिएट किए हैं, लेज़र अकाउंट्स, तो उसको वेरीफाई करना, उसको चेक करना तथा उसकी मिस्टेक को पता करने के लिए कोशिश करना। तथा इसके अलावा अकाउंटेंट जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने बनाई हैं, क्या वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, ये चेक करना। क्या वह ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से है, ये चेक करना। तो सबसे पहले हमें टैली ऑडिट फीचर को इनेबल करना होगा। जस्ट गो टू कंपनी इन्फो, राइट साइड में बटन है कंपनी इन्फो, उसमें क्रिएट कीजिए एक न्यू कंपनी। जस्ट मैंने क्रिएट कर दिया, ABC इज़ माई न्यू कंपनी। तो यूज़ सिक्योरिटी, येस। पासवर्ड लगाने से पहले जो आपका CA है वो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसका नाम है CA राजेश। उसका पासवर्ड है 123, या कोई भी और पासवर्ड हो सकता है। यह हम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए पासवर्ड लिख रहे हैं। यूज़ टैली ऑडिट फीचर, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ, CA राजेश हमारा ऑडिटर है। पासवर्ड 123 रखा है मैंने, इसको यस कीजिए। अब लिखता हूँ मैं CA राजेश 123। अब जो CA राजेश है वह ABC कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे अकाउंटेंट्स की जो इस टैली में डाटा एंट्री करते हैं। तो मैंने डाटा एंट्री या अकाउंटेंट की लिस्ट बनाना शुरू किया। एक है मोहन, इनको पासवर्ड भी दिया जा सकता है, मोबाइल नंबर दिया जा सकता है। दूसरा है सोहन, ये दूसरा अकाउंटेंट है। तीसरा है श्याम, और इसके बाद है राम। ये चार अकाउंटेंट हैं जो कि डाटा एंट्री करते हैं। टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो डाटा एंट्री की है, इसको सभी पावर्स दे देते हैं, डिस अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। इसमें ऑडिट लिस्टिंग नहीं कर सकते जो अकाउंटेंट हैं। अब ये क्रिएट अल्टर अकाउंट मास्टर कर सकते हैं। अब इसको एक्सेप्ट कर दीजिए आप, सिक्योरिटी लेवल ऑफ कंपनी। अब देखिए, इस कंपनी को शट कहते हैं, हम बंद कहते हैं। ABC को बंद किया हमने। अब दोबारा इसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं जो पहला अकाउंटेंट है, वो है मोहन।
मोहन ने इसी एबीसी कंपनी को खोला तथा उसने वॉचर एंट्री डालना शुरू किया। तो उसने सबसे पहले शिफ्ट हुई कैपिटल, उसने शेयर कैपिटल की एंट्री डाल दी, कैश आ गया, कैपिटल आ गई, पर उसको नॉलेज नहीं है कि जो कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है वो अंडर कैपिटल के अंडर जाती है। फिर उसने इसको लाइबिलिटीज हैं कहीं, उसने इसको लोन के अंडर शो कर दिया। चलो जी, अब उसने इसको एक्सेप्ट कर दिया क्योंकि न्यू अकाउंटेंट है, उसमें उसे मिस्टेक हो सकती है लेजर क्रिएशन में। तो उसे किस हेड के अंडर कौन सा अकाउंट जाएगा ये सीखना चाहिए। तो ये एक पहली मिस्टेक की है। तो अब जो है शेयर कैपिटल थी 1 लाख, पर उसने शो किया है 2 लाख, तो इस हिसाब से दो मिस्टेक हो गई, एक अमाउंट की हो गई और दूसरा मिस्टेक हो गई लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अभी तक दो मिस्टेक हो गई हैं मोहन से। तो इसको एक्सेप्ट किया, अब हमने इस कंपनी को शट कर देना है। एक कंपनी को शट किया एबीसी को। अब सोहन आया, सोहन ने कंपनी खोला जो कि अकाउंटेंट है। एक एकदम उसको सिलेक्ट किया, क्या हमने सोहन बनाया है, सोहन क्रिएट किया है हमने, डुप्लीकेट कंपनी हमने पहले बना दी थी, हमारी कंपनी ये है सोहन। अब एबीसी कंपनी में सोहन आया और उसने भी वॉचर एंट्री करना शुरू कर दिया। उसने पेमेंट किया, उसने प्रोडक्ट्स जो हैं खरीदा, कंपनी प्रोडक्ट्स जो कि परचेज है होनी चाहिए, पर उसने इसको फिक्स्ड एसेट में शो कर दिया, एक मिस्टेक किया, और दूसरा इसको शो 10,000 होना चाहिए था और शो किया 20,000। एक्सेप्ट कर दिया इसको। अब हमने बैक गए, कंपनी इन्फो में गए, सिलेक्ट किया एबीसी कंपनी, इसको बंद कर दिया, फिर सिलेक्ट किया कंपनी। अब हमने एक कंपनी को ओपन करना है एबीसी। ओपन तो नहीं हुआ, इसको फिर शट कहते हैं हम, शट हो गया, सिलेक्ट किया हमने। तो अब शाम आया, उसने वॉचर एंट्री की, अकाउंटिंग वॉचर्स में उससे उसने रिसीव किया, रिसीप्ट कैश आ गया, कंपनी प्रोडक्ट्स हैं, लिखने थे 2,000 पर उसने गलती से 20,000 का माल शो कर दिया। तो इसे एक्सेप्ट किया।
अब सीए ने चेक करना है, तो सबसे पहले सीए ने अपनी इंफॉर्मेशन को खोलना है। एक मिनट, हम इसको शट कर देते हैं। अब सेलेक्ट कीजिए कंपनी, हमने कंपनी सेलेक्ट की है। सीए का नाम है सीए राजेश, उसका पासवर्ड लगाया। अब हमने जस्ट जाना है डिस्प्ले में। सीए काम होता है वेरीफाई करना, स्टेटमेंट अकाउंट्स में गया, टैली ऑडिट फीचर है, इसको खोला। सबसे पहले वो देखेगा लेजर्स, क्या लेजर्स ठीक हैं। तो शेयर कैपिटल को चेक किया, शेयर कैपिटल यहाँ एक मिस्टेक, उसको पता लगा कि शेयर कैपिटल अंडर कैपिटल जाना चाहिए, तो उसने करेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो इसको उसने अभी एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट वन, तो यहाँ बैक चलते हैं। कंपनी प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं यह है, करंट एसेट में आना चाहिए या फिर यह परचेज में आना चाहिए। तो उसने परचेज शो कर दिया, यह दूसरी मिस्टेक है, और फिर इसको एक्सेप्ट कर दिया। इसका मतलब है दोनों ऑडिट हो चुके हैं लेजर अकाउंट्स। अब वोचर का टाइम आ गया, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को देखा, उसके जो वोचर्स थे, मैनुअल बिल्स थे, जो शेयर होल्डर से मनी आई थी, वो 1 लाख थी। तो उसने पहले ये चेक किया कि ये एंट्री किसने डाली है। यस, नेम। तो उसे पता लगा कि जो मोहन है, मोहन ने 1 लाख की एंट्री डालनी थी, वो 2 लाख की शो किया है, तो इसकी मिस्टेक उसको पता लग गई। तो अब उसने इसको करेक्ट किया, 1 लाख इसको शो किया, ये सीए ऑडिट राजेश ने इसको मिस्टेक को इसको करेक्ट कर दिया है। अभी जो कंपनी प्रोडक्ट्स हैं, खरीदने हैं, जो उसका बिल है वो 10,000 का है, पर गलती से सोहन ने मिस्टेक किया है 20,000 का, तो ये 10,000 का होना चाहिए। इसको एक्सेप्ट किया सी राजेश ने। और तीसरा है, यह है 2,000 की सील थी, जो कि 20,000 शो किया है श्याम अकाउंटेंट ने, इसकी मिस्टेक को ठीक कर सीए करेंगे 2,000। अब सभी मिस्टेकें करेक्ट हो गई हैं, तो इसे एक्सेप्ट वन कर देंगे। तो सभी ऑडिट हो चुके हैं, वोचर्स एंड लेजर्स। इसके नेक्स्ट भाग में हम बताएंगे कि अगर अकाउंटेंट कोई भी या चेंजेस करता है या डिलीट करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को उसके जो अकाउंट्स है उससे प्राप्त होगी। यहीं अगर डिलीट किया तो यहीं आ जाएगा, अगर चेंजेस किए हैं तो यहीं शो होगा। अभी यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा, इट मीन्स सभी के सभी ऑडिट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।